आज बारिश के कारण कुछ कम भीड़ है, जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश के कारण हमारा नैनीताल झील है वो भी तूफान में आ चुकी है। हम आए हैं जी ऐसी झूली है नैनीताल से और हम यहाँ अपने स्काउट टीचर से और टीचर कानीपाल जी से सुन आए हैं और हम यहाँ अपनी सर्विस देने आए हैं। मैं 11 तारीख से 15 तारीख तक इस मेले में रहने वाले हैं और हम यहाँ पे श्रद्धालुओं को रास्ता बता रहे हैं और कहाँ से जाना है उनको वो बता रहे हैं, कहाँ से निकलना है वो बता रहे हैं और अनुशासन बना रहे हैं, एक अनुशासन बना रहे हैं इस मंदिर में। तो दोस्तों मैं आपको नैनीताल की झील की तरफ ले सकता हूँ, ले जा रहा हूँ पानी का उफान दिखाने के लिए। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नदी हमारे ताल का पानी कुछ ज़्यादा उफान मार चुका है। हमारे कैमरामैन सिद्धि गौरीशंकर गालवार जी पहुँचे हैं कैमरामैन के आज। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कल पानी कम था और आज लेवल से ज़्यादा ऊपर हो गया है पानी, कल से अधिक हो गया है पानी आज। आप देख रहे हैं हमारे स्काउट के बॉयज अपने ड्यूटी पर आ रहे हैं, अपने छात्रों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा शासन करना, यहाँ पे ऐसा शासन करना करके, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग आते हैं एक और सर्विस स्काउट गाइड दिखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वो अपना अनुशासन का वो कर रहे हैं पालन करके यहाँ पर। आइए कुछ उनके बारे में जान लेते हैं हम। जी मेरा नाम भाकर है, मैं यहाँ पे स्काउट की सर्विस दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, मैं अपने कल से यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। हम ये लगातार सर्विस अपना दे रहे हैं, सभी का सहयोग करें, जितने भी यात्रीगण आ रहे हैं तो उन्हें रास्ता बताना, सहायता करना, कोई बूढ़े बुजुर्ग है तो उनकी सहायता करना, उन्हें अंदर लाना, गेट पर व्यवस्था बनाए रखना, सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपके साथी ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया था हमें। जैसे ही आप लोग देख रहे हैं ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो बाकी बातें करते हैं। तो धन्यवाद।